शिवहर जिले के नरवारा गांव वार्ड नंबर 12 में छात्र राजद जिला अध्यक्ष एवं उनके कार्यकर्ताओं ने गांव की सड़क की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों के साथ सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। राजद के सभी कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए सड़क पर धान की रोपाई की और साथ ही साथ सांसद, विधायक और वहाँ के स्थानीय मुखिया पर सवाल खड़े किए। साथ उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल होने जा रहे हैं लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाया, जिसके कारण रोड पर भारी मात्रा में पानी और कीचड़ से रास्ता जाम हो जाता है, जिसके कारण चलने लायक नहीं रहता, जिससे ग्रामीणों को चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि अगर इस सड़क को जल्द से जल्द नहीं बनाया गया तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग नरवारा गांव गोरपट्टी में खड़ा है कि आप रोड का स्थिति जो देख रहे हैं, ये सुशासन बाबू के सरकार में यहाँ के माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान, उनकी विकास की योजना आप देख सकते हैं और यहाँ की मुखिया प्रतिनिधि जो है उनको आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग इस रोड पे धान रोपने का काम कर रहा है, ये कादों में हेलने का काम कर रहा है। यह नरवारा गांव का विकास है। मैं आप तमाम जिला वासियों से कहना चाहता हूँ, आप तमाम ग्राम वासियों से कहना चाहता हूँ, राणा रणधीर जी चौहान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दोस्तों एवं साथियों, 2020 में आप लोग नए सरकार चुनने का काम करेंगे, अपना अधिकार, अपना मत देने का काम करेंगे और इस हालात को बदलने का काम करेंगे, अपना हक लेने का काम करेंगे, आने वाले समय में इस रोड को, हालात को बदलने का काम करेंगे। और तमाम साथियों, नए युवक, जितने भी हमारे साथी क्रांतिकारी यहाँ पे खड़ा है, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में इस रोड के मुद्दा को आज से लेके ये विधानसभा चुनाव तक हम लोग इस मुद्दा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये रोड बनवाने का हम लोग मांग करेंगे विधायक से और ये मुखिया से, जिनके भी फंड आएगी वो रोड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल चंदन गुप्ता जिला अध्यक्ष अमारी को विराम देता हूँ। जय छात्रीय जनता दल बिहार।